हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके ही यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल, ये हमारे चैनल का नाम है जिसमें हम आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से यहाँ पर रूबरू कराते हैं, जिसमें स्टॉक से रिलेटेड, टेक्निकल से रिलेटेड, फंडामेंटल सब चीज़ यहाँ पर बताते हैं। तो आज भी एक दो स्टॉक से रिलेटेड यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें अगर मैं आपको बताऊँ सबसे पहला स्टॉक्स यहाँ पर नज़र आता है SLA सॉल्यूशन इंडिया लिमिटेड। ये ऐसी ऐसी कंपनीज मैं आपको बता रहा हूँ जो कि यहाँ पर बेहतरीन कंपनियाँ हैं, ओके, और आप इनमें इन्वेस्ट करके चलते हैं तो ये कंपनियाँ आपको बेहतरीन रिटर्न्स देती हुई नजर आएगी। देखिए, लोग विप्रो का नाम सुनते हैं, लोग इन्फोसिस, TCS, ओके, टेक महिंद्रा, SCL, इंफेसिस, ये डिफरेंट डिफरेंट ये कंपनीज के नाम सुनते हैं, बट ऐसी और भी बहुत सारी कंपनीज है कि इनकी तरफ अगर आप नज़र बनाए रखते हैं तो बेहतरीन नंबर्स, आपको बेहतरीन रिटर्न्स मिलते नजर आएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग एज वेल एज लॉन्ग टर्म दोनों के पर्पज से दो स्टॉक्स आपको बता रहा हूँ। आपने थंबनेल में देख ही लिया है, साइंट और SLA सॉल्यूशन से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। रीजन क्या है, रीजन आपको पता ही रहेगा अगर आप हमारे वीडियो देखते हैं, नहीं पता तो आप वीडियो का वेट करिए, मिलेगा, बट लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल को भी समझेंगे, जब आप टेक्निकल समझेंगे तो चीजें और ज्यादा समझ में आएगी। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें। ये वीडियो, ये नंबर्स, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट, और बहुत मेहनत करते हैं हम वीडियो बनाने में, तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और दूसरी वीडियोस को जाके यहाँ पर देखें, ओके, किस तरीके से यहाँ पर किस बेसिस पे ये स्टॉक्स बताए गए हैं, एज वेल एज यहाँ पर ये दो नंबर यहाँ पर दे रखे हैं, इन दो नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपको अच्छे खासे यहाँ पर हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ मिलता है वो नजर आएगा। SLA सॉल्यूशन से रिलेटेड सबसे पहले बात कर लेते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कंपनी क्या है, IT कंपनी है। आज के दिन लगभग 39% की डिलीवरीज, और मुझे पता था जिस तरीके से ओपन अप हुआ था तो वहां से एक गिरना तय था इसका, तो वही होता हुआ नजर आया, बट बेहतरीन कंपनी है, जिसे कहते हैं ना बेहतरीन, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और देखिए, लगभग 52 वीक लो के आसपास ही ये शेयर यहाँ पर चल रहा है। और कंपनी की अगर बात करें, 2019 में देखिए, 20 में देखिए, 21 में देखिए, 22 में देखिए, 10 रुपये, 15 रुपये, 35 रुपये, 17 रुपये, 17 रुपये का डिविडेंड, मतलब बेहतरीन, इतना डिविडेंड तो बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पर देती हुई नजर नहीं आती है। इस कंपनी के आए थे कल की डेट में यहाँ पर रिजल्ट, काफी बेहतरीन यहाँ पर रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए जो मैं आपको बताऊंगा। तो कंपनी से पहले हम जान लेते हैं, देखिए SLA केयर सॉल्यूशन एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, किसे? ग्लोबल एयरलाइन एंड ट्रेवल इंडस्ट्रीज। तो आपको मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही यहाँ पर लॉकडाउन ओपन अप होता हुआ दिखाई देता है तो यहाँ पर सब चीज यहाँ पर चलती हुई दिखाई देगी। लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाएंगे और वहाँ पर किसका यूज करेंगे, एयरप्लेन्स का। जब एयरप्लेन्स का यूज करेंगे तो ऑब्वियसली बात है ये एक कंपनी है जो यहाँ पर ये एयरलाइंस एज वेल एज कार्गो सोल्यूशन, पैसेंजर सॉल्यूशन, यहाँ पर ये सब इनमें यहाँ पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हुई नजर आती है। एक बार इनकी वेबसाइट पर विजिट करिएगा तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर पता चलेगी, और कभी और इसके बारे में बात करेंगे तो इसके अंदर तक घुसेंगे और जानेंगे एग्जैक्टली कि इस कंपनी, ये कंपनी और क्या करती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर एक ऊपर से हमने देखा ग्लोबल एयरलाइंस एंड ट्रेवल इंडस्ट्री में कंपनी काम करती है, लगभग अक्रॉस 11 कंट्रीज में यहाँ पर एक इनका फुटप्रिंट है, और यहाँ पर इट अकाउंट्स फॉर द मैनेजिंग मोर देन 5 बिलियन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड 75 मिलियन। तो यहाँ पर लगभग 5 बिलियन डॉलर के, 5 बिलियन का यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, 75 मिलियन टन ऑफ कार्गो एनुअली यहाँ पर ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे यूज सेंड करते हुए दिखाई देते हैं। इट कैटर्स टू मोर देन 250 एयरलाइंस कस्टमर्स, ट्रेवल एजेंट एंड शिपर्स वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ पर अच्छे खासा यहाँ पर कंपनी का काम है। वॉल्यूम बेस्ड रेवेन्यू की बात करें, अच्छा खासा यहाँ पर इनका पैसेंजर्स रेवेन्यू रेवेन्यू आते हुए दिखाई देता है, कार्गो रेवेन्यू, यहाँ पर ये बिलिंग मैनेजमेंट, ये सब चीज से इनका रेवेन्यू आता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा रेपुटेड एंड डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस, यहाँ पर इनका जो जो डाइवर्सिफिकेशन है काफी बेहतरीन है, जैसे कि एयर कैनेडा, एयर एशिया, ब्रिटिश एयरवेज, कंटास, टर्किश एयरलाइंस, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के साथ इनका टाई अप्स या इनके क्लाइंट कह सकते हैं एक तरीके से। तो कंपनी काफी बेहतरीन नजर आती है। कंपनी के यहाँ पर फंडामेंटल्स भी देखेंगे तो लगभग 1521 करोड़ का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है, बट स्मॉल कैप कंपनी इतना बेहतरीन तो डिविडेंड दे रही है, डिविडेंड देने के साथ साथ कंपनी के रिजल्ट काफी बेहतरीन आ रहे हैं। जब ये सारी चीजें मिल रही है तो ऑब्वियसली बात है शेयर को ऊपर जाना ही है।
पी की बात करें 21 का, इंडस्ट्री का 29 का, तो कहीं ना कहीं अभी भी सस्ता है। 2170 के आसपास का आरओसी आरओई है, डेट फ्री कंपनी है, वो 1540 से करेक्ट होकर 1019 पे शेयर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलती हुई नजर आ रही है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में आपको दिखा देता हूँ, ये शेयर लगभग 2005 से यहाँ पर है, इसके बाद एक रेंज में यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दिया, फिर इसने ऑल टाइम हाई लगभग 1600 का लगाया, फिर एक गिरावट पेंडेमिक वगैरह आता हुआ दिखाई दिया, इंडस्ट्री का काम बिल्कुल रुकता हुआ दिखाई दिया, फिर इसने एक हाई पर लगाया 2021 जुलाई में, उसके बाद से लगातार गिरावट और उसी रेंज में शेयर यहाँ पर घूमता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको बताऊंगा जब हम टेक्निकल बात करेंगे कि कहाँ पर खरीदना है इस शेयर को, तो आप यहाँ पर तारीफ करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियोस की। तो यहाँ पर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए, 93 करोड़ का रेवेन्यू आया जो कि क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे दोनों बेसिस पे अच्छा खासा था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 34 करोड़ का था जो कि क्वार्टरली ईयरली दोनों बेसिस पे अच्छा खासा था, और मार्जिन की बात करें 37% का मार्जिन था जो कि लास्ट क्वार्टर में 35 था और एक साल पहले 27% था, तो वहां पर भी अगर हम बात करें ईयरली बेसिस पर और क्वार्टरली बेसिस पर दोनों जगह बेहतर था, और प्रॉफिट के यहाँ पर नंबर नेट प्रॉफिट देखें क्वार्टरली ईयरली बेसिस पर अच्छा, और पिछले 5, 6, 7 क्वार्टर से बेहतरीन नंबर्स पेश कर रहा है कंपनी। सेल्स की बात करें कंपनी की सेल लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही थी, यहाँ पर पैंडमिक आया, पैंडमिक की वजह से यहाँ पर थोड़ी सी सेल्स में इफेक्ट पड़ा, बट अगेन कंपनी का यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्मेंस दे रही है, और यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी देखें कंपनी का नेट प्रॉफिट 69 है, 2019 में यहाँ पर हाईएस्ट एवर था यहाँ पर नेट प्रॉफिट, बट धीरे धीरे पर कंपनी उसी दिशा में दोबारा भागती हुई दिखाई देगी। रिजर्व्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए 228 करोड़ के रिजर्व्स थे, बोरिंग यहाँ पर 34 करोड़ की यहाँ पर बोरिंग है, थोड़ी सी बोरिंग है ना के बराबर, 14 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, कैश भी 62 करोड़ का है, और लगभग 75% के शेयर किसके पास है, सीधे प्रमोटर्स के पास है, किसी और के पास है ही नहीं, तो यहाँ पर एक बेहतरीन कंपनी नजर आती है। डीआईएस की बात करें 2.08, और यहाँ पर पब्लिक की बात करें 22.74% की हिस्सेदारी है, तो उसमें भी 4.69% की हिस्सेदारी नजर आती है प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट के पास, एक बेहतरीन यहाँ पर एक कंपनी है, तो यहाँ पर केवल 18% के आसपास की हिस्सेदारी नजर आती है नॉर्मल पीपल के पास। देखिए आज की डेट में आज शेयर जैसी आया एक न्यूज जैसे कि रिजल्ट अच्छे आए थे तो शेयर को भाग नहीं था, बट सीधे भागते हुए शेयर को मत पकड़िए, क्यों, क्योंकि उनका ऊपर की टाइम में एक रेजिस्टेंस होता है और नीचे की जगह पर एक यहाँ पर नीचे की सपोर्ट दिखाई देता है, तो यहाँ पर ऊपर देखिए तो यहाँ पर देखिए एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा था, उस रेजिस्टेंस को इसने टच किया, टच करके नीचे आया और नीचे आके यहाँ पर ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अब क्या करना है, अब सिंपली थोड़ा सा वेट करना है। अगर आप ट्रेडर है तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं तो जब ये इस कैंडल को यहाँ पर क्रॉस करे तब आपको लेना है, और यहाँ पर सबसे पहला टारगेट सीधे यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा, और धीरे धीरे जैसे निकलेगा तो यहाँ पर 1143 तक भी जाएगा, और जिस तरीके के रिजल्ट है यहाँ पर ये राउंडिंग बॉटम बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, बट उसे बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो शायद ये 6 महीने लगा सकता है इस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने में। हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अभी शेयर को कब खरीदना है, तो नीचे ऊपर का लेवल मैंने आपको बता दिया कि इस लेवल को यहाँ पर क्रॉस करेगा तब यहाँ पर एक तेजी होती हुई दिखाई देगी, बट नीचे का लेवल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर जिस तरीके की गिरावट हुई है किसी भी रीजन से हुई हो, जो भी मीटिंग हुई थी आरबीआई की उनकी वजह से हुई हो, बट यहाँ पर अगर ये शेयर इस रेंज में आ जाता है 922 की रेंज में, तो इस शेयर को खरीदने में बिल्कुल भी देरी मत करिएगा, ये शेयर आपको एक बेहतरीन रिटर्न्स बनाता हुआ दिखाई देगा और अच्छे रिटर्न्स मिलते हुए दिखाई देंगे, तो इस शेयर के गिरने का वेट करिए, यहाँ पर पेशेंटली आराम से देखिए, और जैसे ही शेयर यहाँ पर इस प्राइस पे आए तो यहाँ पर खरीदेगा, बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की स्टडी करके, किसी के भी कहने से यहाँ पर शेयर नहीं खरीदना, और दूसरे भी शेयर की तरफ आएंगे साथ साथ, तो यहाँ पर मैं देखिए ऐसे ऐसे शेयर आपको बता रहा हूँ जो ये यहाँ पर इन्फोसिस और TCS भी रिटर्न नहीं देंगे, बट ये कंपनियाँ रिटर्न देगी, तो साइंट एक कंपनी है, मार्केट कैप यहाँ पर देखिए स्मॉल कैप कंपनी है 9542 करोड़ की, यहाँ पर कंपनी करती है ग्लोबल टेक्नोलॉजी सर्विस, कहीं ना कहीं आईटी कंपनी है, एंड सॉल्यूशन स्पेशलाइजिंग इन जियोस्पेशियल एज वेल एज इंजीनियरिंग डिजाइन एनालिटिकल नेटवर्क एंड ऑपरेशन सॉल्यूशन, अलग अलग सेगमेंट में ये कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है, और देखिए जो कस्टमर्स है ना यहाँ पर वर्ल्ड्स लीडिंग आउटसोर्सिंग कंपनी है एंड वन अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 30 आउटसोर्सिंग कंपनीज यहाँ पर दिखाई देती है वर्ल्ड में,
इसके अलावा पी 18 का है, 29 का पी यहाँ पर इंडस्ट्री का है तो कहीं ना कहीं सस्ता है, 20 और 17 का आरओसी आरओई काफी बेहतरीन है, डेट फ्री कंपनी है, 1200 लगभग 1300 को यहाँ पर हाई था, उसके बाद से लगातार यहाँ पर गिरावट थी और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर गिरावट थी, कंपनी के अच्छे रिजल्ट है ओके, और यहाँ पर कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगी, और यहाँ पर देखिए कंपनी का टाई हमेशा ऊपर ही जाता है, नीचे आता है बट उसके बाद ऊपर ही जाता है, इसके चार्ट पैटर्न इस तरीके से इतना बेहतरीन दिखाई देता है। कंपनी के नंबर आए थे कुछ टाइम पहले, सेल्स की बात करें 1181 करोड़ की सेल्स है, सेल्स में थोड़ी सी क्वार्टरली बेसिस पे कमी थी बट ईयरली बेसिस पे अच्छे खासे यहाँ पर सेल्स थी, प्रॉफिट की बात करें 212 करोड़ का प्रॉफिट था, क्वार्टरली बेसिस पे फ्लैट था बट ईयरली बेसिस पे बात करें तो अच्छा खासा प्रॉफिट था, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए एक साल पहले 14% था अभी 18% है, तो यही चीज दिखाती है कि कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करती है, तो इसी वजह से जब इसके रिजल्ट आए थे शेयर भागता हुआ दिखाई दिया था 10%, उसके बाद से थोड़ा बहुत गिर गया बट ये अपॉर्चुनिटी है, क्यों, क्योंकि जब अगली बार के रिजल्ट आएंगे उससे पहले 15-20-30% के रिटर्न चुपचाप देता हुआ दिखाई देगा। नेट प्रॉफिट 154 करोड़ का अभी तक बिल्कुल नहीं आया था, पिछले 12 क्वार्टर में हाईएस्ट एवर प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया है, एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ यहाँ पर दिखाई देती है, नेट प्रॉफिट लॉन्ग टर्म दिखाई देता है, 140 करोड़ का प्रॉफिट 522 करोड़ का प्रॉफिट में बदल गया है, कंपनी लगभग डेट फ्री और 3000 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स है, और यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें 23.41%, एफआईआई की बात करें 34 जो कि थोड़ी सी कम हुई है, डीआईआई की बात करें डीआईआई की बड़ी है और पब्लिक के पास 19% की हिस्सेदारी यहाँ नजर आती है, और यहाँ पर साइंट की बात करें तो साइंट एक बेहतरीन यहाँ पर शेयर है, इसमें किसी तरीके का कोई भी डाउट को आपको होना नहीं चाहिए, और यहाँ पर इसका देखिए बार बार इसी लेवल को टच करते हैं, तो मैं जैसे कि आपको बता रहा हूँ कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट ये दो चीजें आपको निकालना आना चाहिए और ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, अगर इस चीजों को आप समझेंगे तो आप यहाँ पर मार्केट में अच्छा काम करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये रेजिस्टेंस यहाँ पर नजर आ रहा था और इसी रेजिस्टेंस को यहाँ पर इसने टच किया, टच करके यहाँ पर देखिए जिस दिन मैं कह रहा था 10% की तेजी हुई, रिजल्ट आने पर ये तेजी हुई और लगातार इसमें गिरावट है ओके, बट यहाँ पर ये एक गोल्डन रेशियो के आसपास आके बार बार रुक रहा है ओके, यहाँ पर इसने आज के दिन में देखिए ये सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके यहाँ पर ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया ये शेयर अब यहाँ पर, और यहाँ पर गोल्डन रेशियो के आसपास है, मुझे नहीं लगता अब ज्यादा गिरावट होगी ओके, यहाँ से चीजें ऊपर जाएगी और यहाँ पर ये लेवल पे देखिए बार बार आके अटक रहा है, यहाँ से जिस दिन यहाँ पर ये इसने क्रॉस किया सीधे शेयर यहाँ पहले 1006 की तरफ बढ़ेगा, फिर उसके बाद 1076 की तरफ और सीधे यहाँ पर जाता हुआ दिखाई देगा, तो जिस तरीके से यहाँ पर टाइम ले रहा है ओके, अच्छा टाइम ले रहा है, अच्छी बात है, और यहाँ पर एक यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर लोअर वेज भी बनता हुआ नजर आता है, तो चीजें ऊपर जाती हुई नजर आ सकती है ओके, तो यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, शेयर यहाँ पर बाइंग के लेवल पर आ गया है, यहाँ पर सबसे पहले इस लेवल को अगर तोड़ता है तो नीचे के लेवल यहाँ पर खुले हुए हैं, इस लेवल पे आता है तो बाइंग करनी है ओके, इस लेवल पे भी आप बाइंग करके कर चल सकते हैं बट बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखिएगा, बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि ये शेयर मेरे पास है, दूसरा शेयर मेरे पास नहीं है बट नीचे आएगा तो मैं डेफिनेटली उसे भी अपने पोर्टफोलियो में जगह दूंगा, क्यों, क्योंकि कंपनी यहाँ पर नजर आती है अच्छी और जैसे ही लॉकडाउन हो रहा है तो और भी ज्यादा कंपनी यहाँ पर काम करती हुई दिखाई देगी, बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, फाइनेंशियल एडवाइजर खुद स्टडी करनी है, चैनल को अगर आप नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को हिट, और अगर पुराने हैं तो आपको हमेशा की तरह लाइक करना है, कमेंट करना है, हमारा मनोबल बढ़ाना है, और ये पर्टिकुलर नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।